हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ONGC आपको अगर पता होगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन की कंपनी है। मेजरली 182 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, टॉप की एक लार्ज कैप, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी इसको मान के चलिए। और आज की डेट में अगर आप देखोगे कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसको उसमें फ़ायदा ONGC जैसी कंपनीज़ को होता है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, ये कंपनीज़ का जो क्रूड ऑयल है, इनका जो है एंड प्रोडक्ट होता है, और उसके प्राइसेस क्रूड ऑयल के बढ़ते हैं तो ONGC को फ़ायदा होता है। और जो रिफाइनरीज होती है, उनको क्रूड ऑयल महंगे में मिलता है तो उनको नुकसान होता है, क्योंकि उनके लिए वो एक रॉ मटेरियल है, इनका एक एंड प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल और गैस। तो अब देखिए, 182 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है ONGC, इसके बारे में बात करते हैं, क्या इसमें खास है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए, मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इन टॉक्स विद ONGC टू इनक्रेज बायबैक ऑफ शेयर्स। तो इस कंपनी में भी बायबैक आ सकता है, और जिस लेवल की ये कंपनी है तो इसमें तो भैया बहुत ज़बरदस्त बायबैक आएगा अगर आएगा, क्योंकि और बायबैक का रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने एक डाइवेस्टमेंट का प्लान टारगेट किया था। तो इस साल के लिए डाइवेस्टमेंट मीन्स जितनी भी उनकी गवर्नमेंट के अंडर कंपनी है, उसमें धीरे धीरे अपने स्टेक को कम करना और कुछ पैसा वहाँ से अर्न करना। तो जो बायबैक डाइवेस्टमेंट का प्लान है, तो इसलिए गवर्नमेंट अभी ONGC के बोर्ड से डिस्कशन इसकी चल रही है, और अगर बायबैक अप्रूव हो जाता है ONGC की तरफ से तो ये $1 बिलियन का होने वाला है बायबैक। ये देखिए, ऐसा कहा गया है गवर्नमेंट ONGC के बोर्ड ने कि ज़बरदस्त बायबैक होगा अगर अप्रूव हो गया तो। बहुत बढ़िया बात है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट कर दी है कि भैया बायबैक कर सकते हैं, क्योंकि जो कैश रिजर्व्स हैं वो भी ONGC करेंटली है, उसके पास कोई कैश रिजर्व नहीं है, और नेट डेट भी ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के अराउंड का है। तो इसलिए इस चीज़ के को भी फ़ायदा होगा बायबैक की वजह से। चलिए आगे थोड़ा सा जान लेते हैं, ONGC के बायबैक तो आने वाला है, आ भी सकता है, और अभी डिस्कशन है तो उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते ऐसा। और लेकिन उसकी प्राइसिंग देखिए, आप देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो 2,33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अपने आप में ज़बरदस्त 2,33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अर्निंग पर शेयर 17 की है, 182 का शेयर है और अर्निंग पर शेयर 17 की है, अच्छी बात है। बुक वैल्यू 171 की है, तो अभी ये अपने बुक वैल्यू के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप खुद सोचिए, 182 का प्राइस है तो बुक वैल्यू ऑलमोस्ट बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखोगे पी रेशियो तो 10 की है, फेस वैल्यू 5 की है, 52 वीक लो जो था 151 का और 212 का 52 वीक हाई। एक नज़र डाल देते हैं इसके रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेंगे, मतलब 18,000 करोड़, 22,000 करोड़, 24,000 करोड़, 27,000 करोड़, तो कंसिस्टेंटली जो है इंक्रीज दिख रहा है नेट सेल्स में। प्रॉफिट देखिए 5,100 करोड़, 5,000 करोड़, ऑलमोस्ट 5,900 करोड़, ये 6,100 करोड़, तो प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। टोटल डेट 25,000 करोड़ के अराउंड, और टोटल एसेट्स जो है वो 2,18,000 करोड़ के एसेट्स, ज़बरदस्त हैं जी, बहुत ज़बरदस्त एसेट्स, उसके कंपैरिजन में डेट कुछ भी नहीं है। और बायबैक का प्लान आएगा तो उससे सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये देखिए डिविडेंड, देखिए टाइम टू टाइम कंपनी डिविडेंड देती है, 2015 में देखिए 3 बार डिविडेंड, 2016 में 3 बार डिविडेंड, 2017 में 3 बार डिविडेंड, 2018 में भी 2 बार ही डिविडेंड इसने दिया है। एक नज़र देख लेते हैं हम बोनस की तरफ। अब बोनस देखिए, कंपनी देखिए पिछले 3 बार अब तक बोनस दे चुकी है, 2006 में दिया था 1:2 का, 2010 में 1:1 का, 2016 में 1:2 का बोनस दिया है। ये तो बोनस की बात रही, स्प्लिट की बात करते हैं। देखिए क्या कंपनी में कभी स्प्लिट हुआ है, 2010 में हुआ था, 10 रुपये की फेस वैल्यू से 5 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट हुआ था। और आगे नज़र डालते हैं कंपनी का, अगर आप ग्राफ देखो तो ये कंपनी का ग्राफ है, आपको डिविडेंड बोनस ही दिख रहा होगा इसमें। और अगर 2016 के बाद देखें तो थोड़ा सा अपट्रेंड दिख रहा है, और लेकिन सपोर्ट जोन्स क्या है इसके कंपनी के स्टॉक के अगर आप देखोगे तो ये कुछ पिछले कई सालों का ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग देखिए जो सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे कंपनी देखिए ऊपर नीचे इसमें उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन इसका स्टॉक जो वो रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है अगर इस रेंज में देखा जाए तो कंपनी अभी इसी रेंज में चल रही है, पर अभी अपने सपोर्ट से बाउंस बैक होकर वापस आई है। जो इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस दिखेगा देखिए इस लेवल तक 212-213 के अराउंड तक, यहाँ से उम्मीद है इस लेवल पर इसको रेजिस्टेंस दिखेगा, और हाई जो है वो तो आपको देख ही रहे हो, और लो अगर गिरावट आती है तो इसके चांसेस भी मना नहीं किया जा सकता कि इस लेवल पे भी आ सकती है, मतलब 130 तक आ सकती है। लेकिन अगर जो बायबैक का अप्रूवल, बढ़िया बायबैक आता है तो देखिए ये 100 और 130 ये इसके सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर बायबैक का अप्रूवल आता है तो आपको यहाँ से ये इस लेवल पे बहुत जल्दी दिख जाएगी।
मतलब 210 212 के लेवल पर बहुत जल्दी दिख जाएगी इस लेवल पे ये स्टॉक। और एक नज़र डाल लेते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन एंड ऑल पे, क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है स्टॉक की और वैल्यूएशन किस तरीके की आप देखिए वैल्यूएशन किस तरीके की, और फिर थोड़ा सा एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं, उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग मिले बेसिकली। तो वैल्यूएशन देखिए 11% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 10% की जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखा रहा है मार्केट में जो, हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है जो इसके लोअर नीचे, लेकिन बायबैक जब आएगा तो ये स्टॉक में और उछाल आने की उम्मीद है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं, देखिए किस तरीके के इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न रहे हैं। ये देखिए अभी जो LIC के पास 9.28% का शेयर होल्डिंग है इसके, आप खुद देखिए प्रोमोटर्स यानी कि अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 67.45 का शेयर होल्डिंग है और मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो प्रोमोटर ही हैं। 35 म्यूचुअल फंड ने स्कीम्स ने इन्वेस्ट कर रखा है 2.98% और FII ने 642 FII ने 5.43% की इन्वेस्टमेंट बना रखी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। LIC का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ONGC टॉप की कंपनी है, ऑयल ड्रिलिंग की टॉप की कंपनी है ONGC, बढ़िया डिविडेंड देती है ONGC, बायबैक आने वाला है ONGC, अगर अप्रूवल मिला तो गवर्नमेंट ऑलरेडी डिस्कशन में है ONGC के साथ बायबैक के। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।